तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले के विरोध में उतरे किसान, मुसलमानों का साथ देने का ऐलान, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में धर्मांतरण कराने वालों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना, बीजेपी सरकार ने नए कानून का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान की मदद के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट करेगा पाकिस्तान, आज पाकिस्तान में होगी मुस्लिम देशों की बैठक, मोदी की बढ़ सकती है टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सपा नेताओं पर छापेमारी कराकर बुरी तरह से फंसी भाजपा, लंबे छापेमारी के बाद नहीं मिला एक भी रुपया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश का अगला पीएम हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ, अमित शाह को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में पड़ सकती है बड़ी फूट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोहन भागवत ने डीएनए को लेकर फिर से दिया विवादित बयान, कहा 40,000 से अधिक वर्षों से भारत में सभी लोगों का डीएनए एक समान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सरकारी स्कूलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी को लगाई फटकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा, कहा बताएं कितने स्कूलों में नहीं है एक भी छात्र। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के विरोध में उतरे किसान, मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। वहीं आपको बता दें कि लड़कियों की उम्र बढ़ाने के फैसले का अब किसानों की खापों ने विरोध किया है और इसको लेकर जल्दी किसान मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि खाप नेताओं ने कहा है कि इस फैसले से महिलाओं के खिलाफ अपराध में इजाफा होगा। किसानों ने आगे कहा है कि सरकार को लोगों के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता और वालियान खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने कहा है कि माता पिता को यह तय करने का एकमात्र अधिकार होना चाहिए कि उनकी बेटियों की शादी कब की जाए। उन्होंने आगे कहा है कि इस मामले पर चर्चा के लिए जल्दी सभी खापों की महापंचायत बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि जब एक लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसकी शादी में क्या हर्ज है, इस उम्र में लड़कियां वोट भी तो देती हैं, आखिरकार इसकी भी तो उन्हें इजाजत है। वहीं आपको बता दें कि खापों ने कहा है कि 17 या 16 साल की उम्र लड़कियों की शादी की होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कृषि कानून के बाद अब किसान एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान की मदद के लिए मुस्लिम देशों को इकट्ठा करेगा पाकिस्तान, भारत की बढ़ सकती है टेंशन। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्थिक एवं मानवीय आपदा से निपटने में अफगानिस्तान की मदद करने के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट करेगा। पड़ोसी देश के नए तालिबान शासकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि नरम बनाने के लिए राजी करने का प्रयास करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि 57 मुस्लिम देश इकट्ठे होकर पाकिस्तान में OIC की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में तालिबान की सरकार को मान्यता देने की बात कही जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी दावा किया है कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की मदद के लिए मुस्लिम देशों पर दबाव बना रहा है और दुनिया भर के देशों से अफगानिस्तान को सरकारी मान्यता देने की मांग कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अफगानिस्तान की मदद के लिए जो है मुस्लिम देशों को इकट्ठा पाकिस्तान करने में जुटा हुआ है और आज पाकिस्तान में OIC की बैठक भी होनी है और इस बैठक में कश्मीर का मुद्दा भी पाकिस्तान मुस्लिम देशों के सामने उठा सकता है, जो मोदी सरकार के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा में पड़ी फूट, नरेंद्र मोदी के बाद भारत का प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ, अमित शाह को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का अगला पीएम कौन होगा, इसको लेकर अब देश में सियासत तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कई बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी बनाएगी, लेकिन आपको बता दें कि इस ऐलान के बाद अब भाजपा में ही फूट पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री शाह सहित राजनाथ सिंह देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि भाजपा के कई सांसद अब योगी के पक्ष में आ गए हैं, जिसके बाद अमित शाह सहित बीजेपी के बड़े नेताओं को झटका लगा है और नरेंद्र मोदी के बाद अब प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी बना सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी अमित शाह की मुश्किल एक बार फिर से भाजपा के नेताओं ने ही बढ़ा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में धर्मांतरण कराने वालों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना, नए कानून में होगा प्रावधान, भाजपा ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की भाजपा सरकार विधानसभा सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आने वाली है। भाजपा की वसवराज बुम्बई सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाया जाएगा। बिल के नए मसौदे में सजा की अवधि 3 साल से बढ़ाकर अब बीजेपी सरकार ने 10 साल और जुर्माने की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख और 5 लाख तक की है। कर्नाटक विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्ती से लागू करने की जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि आगे बीजेपी सरकार ने आरोप लगाया है कि
ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू लड़की और लड़कों को अपने पाले में कर धर्मांतरण करा रहे हैं और हिंदू धर्म छुड़वाकर ईसाई और मुसलमान बना रहे हैं, और इसे रोकने के लिए कर्नाटक की सरकार कदम उठाएगी और लव जिहाद कानून के साथ धर्मांतरण कानून भी लागू करेगी, जिसमें सख्त सजा और सख्त जो है जुर्माना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में स्वर्ण मंदिर दरबार साहिब की तलवार उठाने घुसा युवक, भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, बड़ा तनाव। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में अमृतसर स्वर्ण मंदिर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर बेअदबी की कोशिश करने वाले शख्स के साथ कथित तौर पर लिंचिंग हुई है। डीसीपी परमिंदर सिंह ने शख्स के मौत की पुष्टि की है। इस घटना के बाद से स्वर्ण मंदिर में माहौल गर्मा गया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि रेस राज साहिब पाठ के दौरान स्वर्ण मंदिर के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति ने रेलिंग से छलांग लगा दी और कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने रखी तलवार को पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच ने युवक को पकड़कर पीट दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंजाब में स्वर्ण मंदिर में ये बड़ी लिंचिंग की गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकारी स्कूलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, कहा बताएं कितने स्कूलों में नहीं है एक भी छात्र। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कितने ऐसे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां एक भी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है। कोर्ट ने परिषदीय स्कूलों की खासता हालात और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी योगी सरकार से जानकारी मांगी है और दो जजों की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है, जिसके बाद योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में सपा नेताओं पर छापेमारी पड़वाकर बुरी तरह से फंसी बीजेपी सरकार, 16 घंटे छापेमारी के बाद मिले सिर्फ 17,000 रुपए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के परिसरों पर छापेमारी की। रविवार को 16 घंटे लंबे छापेमारी के बाद बीजेपी सरकार को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बताया है कि छानबीन में सिर्फ 17,000 रुपए ही आयकर विभाग की टीम को 16 घंटे की लंबे छापेमारी में मिली है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इसलिए आयकर की रेड पड़वाई है जिससे ये नेता डर जाए और यूपी में विधानसभा चुनाव जो बीजेपी हार रही है और समाजवादी पार्टी जीत रही है उसके जीतने पर रोक लग सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आयकर की विभाग की जो छापेमारी लंबे समय तक चली उसमें बीजेपी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, भाजपा को ये बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का विवादित बयान, कहा 40-60 से अधिक वर्षों से भारत में सभी लोगों का डीएनए एक समान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक आयोजन किया था। इस आयोजन को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि पिछले 40,000 से अधिक सालों से भी सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत ने पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया हमें सरकार के रिमोट कंट्रोल के रूप में दिखाती है, लेकिन ये असत है। हालांकि हमारे कुछ कार्यकर्ता निश्चित रूप से सरकार का हिस्सा है। सरकार हमारे स्वयं सेवकों को किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देती है। लोग हमसे पूछते हैं कि हमें सरकार से क्या मिलता है, उनके लिए मेरा जवाब यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमें खोना भी पड़ सकता है, लेकिन हमारे पास सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। तो ये बड़ा दावा मोहन भागवत ने किया है और सभी भारतीयों का डीएनए एक बार फिर से एक बता दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी मोदी सरकार, बड़े वकीलों की टीम की तैयार। जब दोस्तों आपको बता दें कि 2016 से देश से फरार चल रहे जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी को केंद्र सरकार और धार देने में जुट गई है। IRF को एक गैर कानूनी संगठन घोषित करने के अपने फैसले के बचाव के लिए मोदी सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वकीलों की टीम का गठन किया है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के प्रावधानों के तहत IRF को गैर कानूनी घोषित किया था। तुषार मेहता के अलावा इस टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन दत्ता, अमित महाजन, रजत नायर, कानू अग्रवाल, जयप्रकाश और ध्रुव पांडे शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो जाकिर नाइक का है उसे आतंकवादी संगठन बताया था और कहा था कि ये देश के लिए खतरा है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महबूबा मुफ्ती ने युवाओं को दी नसीहत, कहा केंद्र द्वारा छीने गए अधिकारों की बहाली के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़े लड़ाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहा कि वे केंद्र द्वारा छीने गए अधिकारों की बहाली के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़े, क्योंकि आगे का रास्ता अहिंसा का है, ना कि पत्थरों या बंदूकों का है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पास
आतंकवादियों द्वारा आम लोग की हत्या किए जाने से संबंधित खुफिया जानकारी पहले से ही थी, लेकिन उसने इसे रोकने के लिए जानबूझकर कदम नहीं उठाए। वहीं आपको बता दें कि आगे महबूब मुफ्ती ने कहा है कि जो मारे गए हैं वे हमारे कश्मीर के लोग थे, लेकिन 900 कश्मीरी युवक गिरफ्तार मोदी ने किए हैं। जब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने आए थे तब 1000 युवाओं को मोदी सरकार ने जबरदस्ती उठा लिया था और हमारी जेलों को खचाखच भर दिया था। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि जब हमारी जेल फुल हो गई तो उत्तर प्रदेश के आगरा जेल में हमारे लोगों को भेजा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करेंगे।